देखिए आज हम ले के आए हैं लौकी का सब्जी और इसमें हम लोग चना दाल डाल दिए हैं और इसको हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए लौकी और चना दाल का सब्जी, इसमें हम लोग दो टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसमें हम लोग सरसों का तेल, प्याज को अच्छी तरह से भून लिए हैं और इसके बाद हम लोग तेज़पत्ता का इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए तेज़पत्ता भी हम लोग को दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये है तेज़पत्ता और दो पीस टमाटर और चना दाल और टमाटर दो पीस हम लोग डाले हैं और इसको अच्छी तरह से हम लोग बना रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग इसमें ऐड किए हैं चना, ये देख सकते हैं। और हम लोग बहुत 70% बन के तैयार हो गया है। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। ये देखिए चना दाल इसमें हम लोग ज़्यादा मात्रा में डाले हुए हैं और लौकी हम लोग जो अपने बारी से देसी लौकी है उसको हम लोग अपने बारी वाला बनाए हैं। अब बहुत ही सुंदर था, गोल गोल राउंड टाइप का लौकी था, उसको हम लोग अच्छी तरह से छीन लिए, छोटे छोटे पीस में हम लोग काट लिए और काटने के बाद लौकी का सब्ज़ी हम लोग बना रहे हैं और उसको धो लिए अच्छी तरह से। और धोने के बाद चना इसमें डाल दिए हैं, तेज़पत्ता के इस्तेमाल किए हैं और प्याज को अच्छी तरह डाल दिया और इसमें हम टमाटर डाल के अच्छी तरह से इसको बना रहे हैं। इसको अच्छी तरह से सब्ज़ी बनाने वाले हैं। ये देखिए इसे दस पस अच्छी तरह इसको पकने देते हैं और पक के तैयार हो जाएगा तो हम लोग सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ हम लोग बहुत कुछ और बनाने वाले हैं। इसके साथ हम लोग देखिए दाल भी बना चुके हैं, दाल ही बना के रेडी कर चुके हैं हम लोग। इसके साथ हम लोग चावल ही बना के रेडी कर चुके हैं, वो भी आप लोग दिखा रहे हैं। चावल ही बना लिए हैं, देखिए हम लोग चावल ही बना चुके हैं। ये देखिए चावल भी हम लोग बन के रेडी हो चुका है। चावल, दाल और सब्जी और ये देखिए चोखा, आलू का चोखा ही बन के हम लोग रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं इसमें सिर्फ आलू और मिर्चा डाले हुए हैं और नमक, इसको अच्छे तरह से बना दिए हैं आलू चोखा की सब्ज़ी। और अभी हम लोग बना रहे हैं लौकी का सब्ज़ी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हमको तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम लोग चना दाल डाल दिए हैं और इसमें आप लोग अगर सब्ज़ी कम हो, हम लोग सब्ज़ी तो बहुत अधिक हो गया है इसीलिए हम लोग आलू ऐड नहीं किए हैं। आप अगर इसमें आपको सब्ज़ी कम लग रहा हो तो आप इसमें आलू ऐड कर सकते हैं और इस आलू को अच्छी तरह से छील लें और छीलने के बाद छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद ये इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से पकने दें। एक साथ चना दाल और लौकी और आलू एक साथ ही पक जाएंगे और इसको इस तरह से आप बनेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पकने दीजिएगा और जितने अच्छी तरह से पकेगा तो खाने में उतना ही टेस्टी रहेगा। और हम लोग देखिए ये सब्जी हम लोग बन रहा है और बहुत ही टेस्टी बन रहा है। और इसके साथ हम लोग चावल, लौकी की सब्ज़ी, दाल और चोखा भी बनाए हुए हैं। आलू का चोखा सबसे आसान तरीका है, आलू का चोखा आलू को बॉयल कर लें और उसको छिलका को हटा लें और उसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। इसमें आप नमक और मिर्च हम लोग डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम लोग बना दिए, ये देखिए अब इसको इस तरह से हम लोग बना के रेडी कर दिए हैं आलू का चोखा। और हम लोग इसको बना रहे हैं लौकी का सब्जी। ये देखिए इसमें थोड़ा सूख गया है, थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़े से मात्रा में। बस जो पकने में लगेगा इस तरह से इसको हम लोग ढक देते हैं, अच्छी तरह से पकने देते हैं, दाल अच्छी तरह से पका नहीं है। इस तरह से हम लोग चलाते हैं चारों तरफ से। इसको पकने के लिए समय चाहिए इसीलिए इसको हम लोग ढक देते हैं और अच्छी तरह से पकने देते हैं। और इसे पक के रेडी हो जाएगा तो आपका दाल, देखिए दाल इस तरह है, दाल पूरा दबाइएगा तो दाल पूरा अच्छा अभी पका नहीं है। ये देखें हम लोग दबा के देख रहे हैं, दाल अच्छी तरह से पका नहीं है, दाल अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम लोग बन के रेडी हो जाएगा। ये दाल अभी पका नहीं है, दाल को बनने में थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ढक देते हैं और अच्छी तरह से पकाते हैं।
हाँ, और सब्जी हम लोग बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको हम लोग ढक देते हैं, थोड़ा पकने देते हैं, और हम लोग कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ये देखिए हम लोग ढक दिए हैं, बनने देते हैं, हम लोग कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं।